एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी सी के अनुसार तेल वर्ष 2021-22 के शुरुआत के दो महीनों में सोयाबीन तेल का आयात 51% ज्यादा रहा है। वर्तमान में सोयाबीन के दामों में तेजी देखने को मिल रही है, जिससे प्लांट वालों को पेराई में नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे सोयाबीन की पेराई में कमी देखी गई, जिससे सोयाबीन तेल का आयात बढ़ा है। सोयाबीन तेल के आयात में बढ़ोतरी होना यही दर्शाता है कि भारत अभी खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर नहीं बना है, लेकिन आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। वहीं 2021 में सोयाबीन पर सरकार के काफी फैसले देखने को मिले थे, जिससे सोयाबीन की कीमतों में गिरावट देखी गई। वर्तमान में मंडियों में सोयाबीन का अधिकतर दाम 6700 से 6800 रुपए तक देखने को मिल रहा है। हालांकि ये दाम उस दाम से काफी कम है जिसकी मिलने की उम्मीद किसानों ने लगाई थी। किसानों को सोयाबीन के 12 से 13 हजार रुपए तक के दाम मिलने की उम्मीद थी, लेकिन किसानों की उम्मीदों पर फिलहाल पानी फिरता दिखाई दिया। वहीं अब किसानों ने सोयाबीन को एक बार फिर से स्टॉक करना शुरू कर दिया है। विदेशों में भी सोयाबीन की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है। जानकारों की माने तो विदेशों में सोयाबीन का उत्पादन कम रहने का अनुमान है, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिल सकता है और सोयाबीन की कीमतों में भविष्य में तेजी आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।